मॉल है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स इंटीग्रेटेड है। भाई अभी जो मैं खड़ा हूँ भाई ये है गांधी म्यूजियम। गांधी म्यूजियम आप देखते हैं गांधी मैदान के एकदम पहले, इसके लिए कुछ होना चाहिए ना। बट ना मैं खाने के लिए मशहूर था भाई मॉडल कॉम्प्लेक्स में। कुछ दिनों पहले मॉडल कॉम्प्लेक्स जो Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to my new vlog. तो यार अभी मैं खड़ा हूँ पटना के उस रोड पे, पटना के उस स्पॉट है, पता नहीं क्यों खड़ा हूँ क्योंकि भाई ये पटना के बीचों बीच है एंड आज का वीडियो कुछ ऐसा ही रिलेटेड टू पटना है। तो भाई बिहार से अगर मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर है, मैं एक बिहारी हूँ एंड जो भी वीडियोज बनता है भाई वो बिहार से ही रिलेटेड बनता है। बात कर रहा हूँ बिहार पटना की। तो पटना भाई बिहार का कैपिटल है जैसे आपको पता है। अगर बिहार के जितने भी एरियाज हैं, बिहार में बहुत सारे जिला हैं, बिहार बहुत बड़ा है, बहुत लोग होते हैं यार जो कि बिहार घूमने आते हैं, पटना घूमने आते हैं। अगर बिहार घूमने आए तो पटना ज़रूर घूमते हैं। तो पटना घूमने के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि एक दिन में किसी के पास एक दिन का टाइम होता है, किसी के पास दो दिन का टाइम होता है एंड ट्रैवलिंग में भी बहुत टाइम जाया जाता है। आज के ब्लॉग में भाई मैं बताने वाला हूँ पटना के टॉप 5 प्लेसेस जो आप एक दिन में कवर कर सकते हो, वो भी भाई चीपेस्ट चीपेस्ट जगह बताऊँगा जहाँ पे आपको पैसे और टिकट एकदम नाम मात्र लगते या फिर लगते ही नहीं है कितने जगह, तो वो दिखाऊँगा। एंड इससे पहले भी एक सीरीज़ मैंने बनाई थी, एक वीडियोज़ बनाई थी टॉप 5 प्लेसेस इन पटना, पहले उसको देखो फिर इसको भी देखो। मतलब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो भाई जाके देख लेना उस वीडियोज़ को भी ताकि उससे ही पता चला। इस वीडियोज़ में भी मैं 5 जगह कवर करने वाला हूँ जो कि एकदम अगल बगल में ही है एंड भाई एकदम कॉस्ट एफिशिएंट। सो चालू करते हैं यार अपने 5 स्पॉट्स को एंड गिनना शुरू करो एंड अब हर जगह चलते हैं। यार आपको बताते हैं ग्लिम्स दूंगा छोटा छोटा ताकि आपको पता चले कि पटना में कैसा। मरीन ड्राइव से शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की एंड अब आपको लाइव एग्जाम्पल देखता हूँ 5 जगह अभी हम चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं यार अपने इस जर्नी को टॉप 5 प्लेसेस इन पटना पार्ट 2। ये था सिटी सेंटर मॉल। सिटी सेंटर मॉल एक पटना के बीच का ऐसा एक फेमस मॉल हो चुका है जहाँ पे लोग भाई मोस्टली शॉपिंग से ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं ना। सेंटर मॉल हम लोग घूम चुके हैं। ये पटना का ऐसा मॉल है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स इंटीग्रेटेड है एंड एक बहुत बढ़िया चिलिंग स्पॉट बन चुका है जो कि फ्री है भाई, तो इसलिए यहाँ पे आके चिल कीजिए। भाई जो अब इस लिस्ट पे जो हम लोग सेकेंड डेस्टिनेशन या थर्ड डेस्टिनेशन जो भी डेस्टिनेशन हो मैंने सीक्वेंस नहीं बनाया है तो ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई पटना म्यूजियम। बिहार और पटना में अगर आप आते हो तो पटना म्यूजियम एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको कोतवाली थाना के बगल में मिलता है। तो पटना म्यूजियम बहुत ही पुराना है एंड इसके इसका सक्सेसर भी आ चुका है बिहार म्यूजियम। बिहार म्यूजियम वाले बाद में बताएंगे लेकिन अभी पटना म्यूजियम आया घूमने एंड इसका अगर आप डिज़ाइन ही देखो तो भाई राजपूताना डिज़ाइन में इसे बनाया गया। प्रॉपर व्लॉग मैंने बनाया हुआ है इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं हम लोग, ज़्यादा बोर नहीं होगा। प्रॉपर व्लॉग है नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक मिल जाएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा। चलिए चंद्रगढ़ सिंह बहुत सारे हिस्ट्री वाले चीज़ आपको मिलेंगे एंड कुछ यहाँ पे कुछ बिहार म्यूजियम में है तो देखना बनता नहीं यार। एंड फोन से शूट करो इसलिए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, कैमरा इधर है, लेंस देखने का मेरे को उधर आ जाता है इसलिए कभी कभी हो जाता है। तो ये हो गया भाई पटना म्यूजियम के बारे में एंड अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कैसा लगा इसे बताना एंड भाई इसके बारे में टोटल जानना हो तो भाई प्रॉपर ब्लॉग है अपना, 10वां ब्लॉग यही था। चलो यहाँ से चलते हैं भाई, अभी बहुत सारी 3 जगह कवर करना है, अंधेरा होने से पहले कवर करना इज द टारगेट, तब ना आपको यकीन होगा कि हाँ भाई पटना में 5 जगह घूम सकते हो एक ही दिन में, है ना। ऑल लोकेशन पे आ गए ना, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा फ्री एंड फिर कम टिकट कम प्राइस वाला। तो भाई अभी जो मैं खड़ा हूँ भाई ये है गांधी म्यूजियम। गांधी म्यूजियम आप जैसे गांधी मैदान के एकदम पैरेलल है भाई, एकदम क्या कहते हैं कौन सा वाला साइड है भाई, मगध मेला जिस साइड है ना उसी साइड पड़ता है गांधी म्यूजियम। प्योर सस्ता है यार एंड बाकी भी जितना मैंने दिखाया पटना म्यूजियम दिखाया तो पटना म्यूजियम का भी टिकट बहुत ही मिनिमल है, लाइक 15 रुपीज़। एक ग्लिम्स देख लो एकदम फ्री है ये जगह गांधी म्यूजियम, तो इसको भी छोटा सा एक ग्लिम्स देखते हैं भाई ऐसे। इसको इसका भी प्रॉपर ब्लॉग बना रखा है मैंने, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, है ना।
तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ ताकि डिटेल वीडियो, क्योंकि मैं बना चुका हूँ तो ग्लिम्स दिखाऊंगा बस। तो भाई ये गांधी संग्रहालय था, इसको भी दिखा दिया। तो चलो गांधी संग्रहालय से प्रस्थान करते यार, एंड फिर दूसरे डेस्टिनेशन पे। पटना में 5 जगह, पटना में आप एक दिन में 10 जगह भी घूम सकते हो। पर घूमने आओगे पटना तो आपको डायरेक्ट ब्लॉग मिलेगा सेपरेट, एक बार पहले ही बना चुका है, दूसरा पार्ट ये है। जैसे कि मैंने बताया कि टॉप 5 प्लेसेस का पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, एंड कुछ प्रीमियम जगह भी है जहाँ पे टिकट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उससे बढ़िया बढ़िया चीज़ है। तो उसका भाई प्रॉपर ब्लॉग, वो सब ब्लॉग टॉप 5 टॉप 10 में कभी कवर कर देंगे हम लोग। लेकिन अभी तो भाई ये देखो कि आप लोग एक छोटे से एरिया में कितना सा जगह है। तो चलो भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं। जो मेरी थी भाई, वो मैंने सोचा था कि आप पटना में इतना घूमोगे तो पटना में खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। पटना में खाने के लिए मशहूर था भाई मॉडल कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब कुछ दिनों पहले मॉडल कॉम्प्लेक्स को फुल्ली पार्किंग जोन बना दिया गया, एंड उसके आगे वाला पटना प्लेनेटेरियम है इधर, एंड उसके सामने ये वाला स्टॉल हो गया भाई, ये इधर अब फूड स्टॉल लगता है। पटना कॉम्प्लेक्स के जितने भी स्टॉल्स हैं वो आप यहाँ पटना प्लेनेटेरियम वाले रोड पर मिलेंगे, जो कोतवाली थाने के एकदम अपोजिट है। मैं फोर्थ डेस्टिनेशन मेरा ये दो चीज़ हो गया, आप पटना ये स्ट्रीट फूड वाला यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ये सामने पटना प्लेनेटेरियम जिसके अंदर अभी जा नहीं रहे हैं, लेकिन पटना का ये वाला कॉर्नर बहुत फेमस है यार। है कुछ पटना का मॉडल कॉम्प्लेक्स जो शिफ्ट हो गया, वो अब ऐसा दिखता है और यहाँ पर दिखता है यार। अगर कुछ आप टेस्टी खाने वही फेवरेट स्टॉल से तो यहाँ पर आना पड़ेगा। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट डेस्टिनेशन है वो है NIT घाट। पटना का NIT घाट बहुत ही मशहूर है यार। NIT घाट बोले तो बहुत सारे घाट, जो मेनली घाट है इधर गांधी घाट से शुरू होता है, एंड भाई शुरुआत गांधी घाट, कृष्णा घाट, बंसी घाट, बहुत सारे घाट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिस्ट में लास्ट था। अगर आप पटना घूमना चाहते हो तो एक दिन में ये 5 जगह घूम सकते हो। तो क्या, तो भाई साहब रात में भी एडिटिंग कर रहा था वीडियो, अब पता चला कि भाई कुछ क्लिप्स में साउंड ही ढंग से रिकॉर्ड नहीं है, हो सकता है कि माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो भाई जो 5वां लिस्ट था NIT घाट वाला क्लिप थोड़ा सा डिस्क्रप्ट हो गया, तो इसलिए NIT घाट का मैंने डाल दिया है। एंड भाई वीडियो अच्छा लगे, 5 जगह ये घूम सकते हो, आपको पता है। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट बहुत ही यूज़फुल होते हैं यार। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो बाय बाय, सी यू।